गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मनोज यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू मेक गूगल फॉर्म्स। आपको यहाँ पर देखिए गूगल क्रोम दिख रहा होगा, कोई भी एक ब्राउजर पर जाकर क्लिक करना है, वहां पर जाकर ओपन कर लीजिए। यहाँ पर यूआरएल में जाकर टाइप करिए GOOGLE गूगल फॉर्म्स, देन एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, उस पर क्लिक करिए। देन अनदर पेज विल ओपन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन गो टू गूगल फॉर्म्स। यहाँ पे देखिए एक पेज ओपन हुआ होगा, यहाँ पे आपको ये प्लस साइन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, उसका मतलब होता है ब्लैंक फॉर्म। वहां पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आ गया होगा, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है जिसपे मेरा रजिस्टर्ड है, उस पर ही सेव होगा सारा डेटा ये पेपर का। यहाँ पे देखिए अनटाइटल फॉर्म दिया हुआ है, अनटाइटल फॉर्म पे आपको आपके फॉर्म की जो भी हेडिंग रखनी है वो हेडिंग रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर को समझाने के लिए Chapter 1 रखा है, राइस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। मेरा ये आज का इस पेज का हेडिंग है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट कर लिया स्टैंडर्ड 9th, देन प्रेस एंटर और सब्जेक्ट लिख दिया है कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल साइंस। सोशल साइंस देन प्रेस एंटर। ड्यूरेशन आप आपके हिसाब से कितने टाइम का कर सकते हैं कि जितने देर में बच्चे या कोई भी आपको ये सबमिट कर दे फॉर्म। ड्यूरेशन टाइम मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आप अपने हिसाब से रख लेना। फिर देखिए उसके नीचे अनटाइटल क्वेश्चन दिया हुआ है, अनटाइटल क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करिए। वहां पर जैसे कि पेज जैसे ही ओपन हो, लाइक ये क्वेश्चन पेपर हम बना रहे हैं तो ये ओपन हो, ओपन होने के बाद डायरेक्ट स्टूडेंट नेम आए तो मैं वहां पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम, ओके। स्टूडेंट नेम के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, शॉर्ट आंसर मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो भी हो शॉर्ट आंसर आ गया। देन यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ये रिक्वायर्ड, कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है कि मुझे कंपलसरी स्टूडेंट नेम चाहिए। स्टूडेंट नेम नहीं आप लोग एंटर करेंगे तो आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते या एंटर नहीं हो सकते। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट नेम के बाद मुझे चाहिए जैसे कि मोबाइल नंबर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 3 डॉट के ऊपर से रेस्पॉन्स वैलिडेशन, और ये रेस्पॉन्स वैलिडेशन हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर जो कि नंबर में होता है, टेक्स्ट लेंथ रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं होगा, नंबर। देन ग्रेटर देन, यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन यहाँ पर कितना मोबाइल नंबर होना चाहिए 10। और यहाँ कस्टम एरर टैक्स, वहां पर जो भी एरर आए मोबाइल नंबर इंसर्ट अगर हमने गलत किया या कुछ, तो वहां पे मैं लिख देता हूँ प्लीज एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ओके। ये हमारा एरर जो आएगा अगर हमने मोबाइल नंबर गलत किया तो। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन, देन यहाँ पर आपको 1 डॉट प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 1 नंबर नहीं आएगा। वहां पर हमें, मैं एक क्वेश्चन कोई भी लेता हूँ, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन सूरत, ओके। यहाँ पर देखिए मल्टीपल चूज क्वेश्चन ऑटोमेटिक पहले से बाय डिफॉल्ट है, तो उसको आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं अगर मल्टीपल चूज ना हो तो। जैसे कि ऑप्शन 1 दिया हुआ है, मैंने वहां पे 1556 देन क्लिक एंटर, देन 1452 देन 1600 देन 1607, ओके। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देन यहाँ पे एड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर डालकर हमने लिखा हु डिस्कवर्ड Discovered sea route to India, ओके। यहाँ पे अब मल्टीपल चूज क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट आंसर मैंने कर दिया, ओके। शॉर्ट आंसर में देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर का टेक्स्ट चेंज हो गया, ओके।
ये हो गया क्वेश्चन पेपर। इसके नीचे आपको अगर और ऐड करना हो तो और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड जो है, रिक्वायर्ड किसी भी क्वेश्चन में मत ऑन करना, क्योंकि कंपलसरी फिर बच्चे को आंसर दिए बिना सबमिट नहीं करेगा। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में से शायद दोनों ना आता हो, या फिर एक आता हो या एक नहीं आता हो। तो अगर एक आता है उसका आंसर देता है और दूसरे का नहीं देता, तो भी ये पेज सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर आंसर की कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें जाना है सेटिंग, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद क्विज, क्विज में जाने के बाद मेक दिस ए क्विज, उसको अनेबल करना है। देन यहाँ पर इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन, यहाँ पे देखिए मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यूज, ये तीनों चीजें हमें चाहिए। मिक्स्ड क्वेश्चन को भी उसको काउंट करना है, करेक्ट आंसर को भी काउंट करना है, और पॉइंट कितने हैं वो। देन सेव, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे पहले क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आंसर किया है। अब आंसर की मुझसे वो पूछ रहा है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। जैसे कि मैंने 1607 राइट आंसर बोला। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स मतलब ये क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन राइट होने के बाद हम उसको मार्क्स कितना दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मार्क्स काउंट कर लिया। ओके, 2 मार्क्स, देन डन। ओके, एंड अब सेकेंड वन पे जाते हैं, हु डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, तो बच्चे यहाँ पर शॉर्ट आंसर टेक्स्ट जो लिखा है उसमें टाइप करेंगे। आंसर की में एड ए करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर अब मैं टाइप कर रहा हूं वास्को डा गामा। ठीक है, वास्को डा गामा मैंने कर दिया, और यहाँ पे पॉइंट वैल्यू में कर दिया 1। देन मार्क ऑल अदर आंसर्स इनकरेक्ट। अब वास्को डा गामा के अलावा जो भी आंसर दे वो बच्चे लोग का क्या होना चाहिए, इनकरेक्ट। देन डन। ओके, ये तो हमारा पेज बन गया। अब हम देखते हैं प्रीव्यू में जाकर कैसा पेज है और क्या है। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम मैंने यहाँ पे डाला मनी यादव, मोबाइल नंबर वो हमें एरर देखना था ना, तो हम यहाँ पे मैंने YZ कुछ भी डाल दिया। देन प्रेस क्लिक ऑन सबमिट, सबमिट में देखिए क्या एरर मैंने टाइप किया था, प्लीज एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। देन यहाँ पर मुझे वापस से नया मोबाइल नंबर मेरा डालना पड़ेगा जो कि सही हो, 5981 हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्हेन डिड ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन सूरत, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे डाला था 1607, तो यहाँ पर 1452 मैंने किया। एंड हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया, यहाँ पर आंसर मैं डालता हूँ वास्को डा गामा, वास्को डा गामा। ओके, देन सबमिट। सबमिट के बाद यहाँ पर व्यू स्कोर आएगा, ना कि मार्क्स आएगा। मार्क्स नहीं देख सकते, व्यू स्कोर आएगा, क्योंकि वो जो मार्क्स जितने में हमने ऐड किए थे वो किसमें बताएगा, स्कोर में। देन क्लिक ऑन व्यू स्कोर, व्यू स्कोर के बाद देखिए मेरे कितने मार्क्स आए, 1 मार्क आए। कितने में से, 3 में से। पहला क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, दूसरा था 1 मार्क्स का, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। 3 में से कितना आया, 1, क्योंकि मैंने एक आंसर रॉन्ग दिया था और एक आंसर करेक्ट दिया था, तो यहाँ पर वास्को डा गामा मेरा राइट है वो आ गया। ओके, देन हम वापस हमारे पेज पे जाते हैं, जहां पर प्रीव्यू में मैं फिर से कोई और बच्चे का नाम ऐड करता हूँ। स्टूडेंट नेम मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सुनील मिश्रा का मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर अब सुनील मिश्रा ने एग्जाम दिया, तो व्हेन डिड ब्रिटिशर्स अराइव, तो वो 1607, एंड वास्को डा गामा, वास्को डा गामा सिलेक्ट करके सबमिट। ओके, अब उसका व्यू स्कोर देखते हैं, तो कितना आ रहा है व्यू स्कोर, 3 out of 3। ओके, अब हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं। फर्स्ट पेज के बाद जाने के बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस के बाजू में आपको दिख रहा है रेस्पॉन्सेस, रेस्पॉन्स में 2 रेस्पॉन्स है। 2 रेस्पॉन्स अब किसके किसके हैं, एक तो सुनील मिश्रा का है और एक मनोज का, ये दोनों चीजें दिखा रहा है। ठीक है, सॉरी मनी का है, मनी एंड सुनील दिखा रहा है, और उनके मोबाइल नंबर भी। अब इंडिविजुअल हमें देखना हो, एक सिंगल बच्चे का पेपर, लाइक मन्नी का पहले देखना है, तो मन्नी का क्या दिया हुआ है, नंबर दिया, और उन्होंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट, जो आंसर सिलेक्ट किया था वो क्या था, 1452, और मेरा आंसर रॉन्ग था, और उसके बाद वास्को डा गामा। देन यहाँ पर क्लिक करना है, सेकंड आ जाएगा, सेकंड, या फिर यहाँ पे हम सिंपली 2 of 2 टाइप कर सकते हैं। देन सेकंड वन सुनील मिश्रा, उसका मोबाइल नंबर, उन्होंने पहले का आंसर ये दिया था वो राइट है, और इसका भी आंसर राइट। ये हमारे टोटल पॉइंट्स और सारी चीजें हो गई। ओके, अब आपको इसमें
अब आप लोगों को इसको शेयर करने का होगा कि पेपर तो बन गया, आप शेयर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जाना है आपको, क्लिक करना है यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी, देन अपने जीमेल में जाइए। जीमेल पे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है कंपोज करके, जो मेल जैसे कि सेंड करते हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिया किसको मुझे ही सेंड करना है। देन मैंने कंट्रोल वी, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे देखना है ये जो एडिट करके ये जो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश तक है उसको निकाल देना है, ठीक है? फॉरवर्ड स्लैश तक निकाल देना, देन सेंड। देखिए जैसे कि मैंने सेंड किया था, ये मेरे पास सोशल की लिंक आ गई, जो मैंने पेज बनाया था ये आ गया लिंक। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो पेपर में आराम से देख सकता हूँ। ये शेयर करने के ऑप्शन इसीलिए मैंने बताया क्योंकि ये जो लिंक है, ये लिंक आपके पास जीमेल में आ जाएगी आपके फोन में, ठीक है? जीमेल अकाउंट में आ जाएगी, तो आप वहां से इसको कॉपी करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी को भी सेंड करना हो तो वहां से सेंड कर सकते हैं। ओके ओके, हमारा शेयरिंग ऑप्शन तो खत्म हो गया। आप देख लेते हैं कि पूरा का पूरा डेटा हमें सभी बच्चों का चाहिए, तो हमें सेव करना हो तो वो कहाँ से होगा? देखिए यहाँ पर ये प्लस साइन ग्रीन कलर का दिख रहा है रेस्पॉन्स के अंदर, तो क्रिएट स्प्रेडशीट, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट चैप्टर वन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर स्प्रेडशीट पूरा का पूरा बताएगा। उसके अंदर जो बच्चे लोगों ने एग्जाम दिया है, किसी ने भी, देखिए यहाँ पर टाइमिंग दिखा रहा है एंड डेट दिखा रहा है, टाइम 15:45 एंड 16:07, मतलब 16 जुलाई, 7th मंथ एंड 2020, मनी यादव एंड उसका मोबाइल नंबर एंड इनके जो क्वेश्चंस के जो भी आंसर थे वो सारी चीजें, ठीक है? ये तो हमारा स्प्रेडशीट था। अगर आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, देन डाउनलोड रेस्पॉन्सेस, देन देखिए यहाँ पर रेस्पॉन्स मेरा डाउनलोड हो गया। क्लिक करना है शो इन फोल्डर, शो इन फोल्डर करने के बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है राइस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देन क्लिक ऑन यहाँ पर, देन एक्सट्रैक्ट टू चैप्टर वन इंडिया डॉट सी एस वी स्लैश, यहाँ पर क्लिक करना है, देन ऊपर मेरा फोल्डर बन गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फोल्डर बन चुका है चैप्टर वन राइस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देन मैं उसको डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर सारी चीजें आ गई है, टाइम स्टैम्प, स्कोर, ये सारी चीजें, ठीक है? ये डाउनलोडेड फाइल है, वो क्रिएट स्प्रेडशीट सिर्फ ऑनलाइन रहेगी, तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है? ये मोबाइल नंबर है, ये है, ये स्कोर, ये टाइम, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 7th दिया हुआ है, तो मतलब 16 जुलाई 2020 एंड टाइमिंग ऑल्सो, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई। आप यहाँ स्कोर देख सकते हैं, उनका टाइम देख सकते हैं, नाम, क्या क्या क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए हैं, वो सारी चीजें, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।